यह आदर्श गौशाला है। गौशाला की गुरुजी हैं। यह ट्रकों में ट्रैक्टरों में जो भरा हुआ भूसा है, यह आदर्श गौशाला ही है। बहुत सारा वहाँ पे गाय बछड़ों के लिए खाने के लिए आता है। आज मौसम बड़ा सुहाना है और ये गाय हैं जो यहाँ पे हजारों की तादाद में रहती हैं। यहाँ पे गौशाला में गौ माता की और बैलों की बहुत ही अच्छी तरीक़े से देख रेख होती है। बहुत से लोग दूर दूर से बाबा से मिलने के लिए, आश्रम देखने के लिए आते हैं। गायों के देखते हैं, उनकी सुरक्षा देखते हैं, उनकी देख रेख देखते हैं। यहाँ पे भोजन व्यवस्था भी होती है निःशुल्क। आने जाने वाले लोगों का तांता लगा रहता है क्योंकि गुरुजी बहुत अच्छे हैं। यह जो नेम प्लेट है, धर्म काटा वगैरह, तो सारी यहाँ पे बाड़े हैं और कहाँ पर क्या है, कौन सा ब्लॉक है, यह इसकी जानकारी है। बड़े बड़े ब्लॉक हैं जिनमें गौशालाएँ रहती हैं। छोटे अलग रहते हैं, बड़े अलग रहते हैं, गाभिन गाय अलग रहती हैं। और सोच हर व्यवस्था है यहाँ पर पे। बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यह नगर पंचायत की है ग्वालियर की, तो वहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। और खाना भी कोई भी जा सकता है, घूमने के लिए जाते हैं, प्रसाद मिलता है, दिन रात सेवा है। लोग काम करते हैं, अच्छा प्लांट लगे हुए हैं, गायों की सेवा होती है। काफ़ी लंबा चौड़ा है, देखने में आनंद आता है। और वहाँ पर ये गोबर इस तरीक़े से खींचते हैं लोग। काफ़ी लंबा चौड़ा है बाड़े जो आप देख रहे हैं। ये अंदर जाने का रास्ता है रात का, और ये दिन का है वही रास्ता है। दिन में ऐसे लगता है लंबा है, 100 फीट लंबा। देखने में अच्छा है। गाय है, रात में ये देख रही हैं कि कौन निकल रहा है। मेरी तरफ सारे तो गाय बैठी रहती हैं रात में, बाहर दिन में बाहर घूमती हैं, रात में व्यवस्था है। 8 बजने को है, यही रास्ता है वो। बहुत अच्छी लगता है, देखा अभी आपने, बहुत ही अच्छा लगता है गौशाला में। गोबर की मैं वहाँ पर 4 दिन रुका दीवार में, तो वहाँ पर देखा, लगा हुआ है खाना पीना खाया, व्यवस्था थी लेटने की अच्छी। बाबा जी के साथ में फिर हम एक शादी घर गए, वहाँ पर शादी का नज़ारा देखा। बाबा जी बोले कि चलो साथ में, बहुत अच्छे गुरु जी हैं, कभी जाइए वहाँ पर, देखिएगा, मिलिएगा गुरु जी से। और ये गुरु जी हैं जो आप देख रहे हैं, बहुत ही इनके भक्त बहुत सारे हैं। जो भी जाते हैं तो उनकी वाणी में बहुत अच्छी मिठास है। ग्वालियर में गौशाला में हूँ, आनंद गौशाला में, और मेहनत करने के लिए किसी की साथ की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं यहाँ पर अकेला ही कल आज सोया और कल मैं इस कमरे के अंदर सोता रहा। और यहाँ पे भी लोग रात में आ जाते हैं, खैर कोई बात नहीं है। और मैं अकेला ही हूँ क्योंकि काम करना है तो अकेले में भी किया जा सकता है। यह बाहर का नज़ारा है, ठंडी थी क्योंकि बरसात भी हो रही थी, बहुत ही मौसम सुहाना था। ये गायों के लिए खाने के लिए है घास, काफ़ी सारा कटाई करके दिया जाता है उन लोगों को। 2-3-4 ट्राली, कई ट्रालियाँ आता है, वो खाती हैं, मौज मस्ती करती हैं गाय। गायों की सुरक्षा तो यही इसी जगह पे होती हैं। गाय देखने में बहुत ही सुंदर सुंदर गाय हैं, बहुत ही अच्छे रहते हैं लोग। यहाँ से दूध भी ले जाते हैं, और जो कार्य कर्मचारी हैं, दूध बढ़िया मिलता है खाने के लिए, घी दूध हर व्यवस्था है यहाँ पर। देखिएगा कभी यहाँ पर आकर। धन्यवाद।